मित्रों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपने गांव के जो स्कूल है जिसमें मैंने पढ़ा है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह का स्कूल है और कितने तक स्कूल है, ये सब कुछ मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देख लें कि जो पीछे आपको ये स्कूल दिख रहा है ये नई बिल्डिंग है। जब मैं पढ़ा करता था तब यहाँ पर एक परछतिया थी, यानी छप्पर वाला घर था और वो हमेशा खुला रहता था, यानी कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी तो धीरे धीरे वो ख़राब हो चुकी थी और उसको गिरा के अब ये वाली बिल्डिंग पूरी बनाई गई है जो यहाँ पे आपको दिख रही है। जैसा आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में कि ये मिडिल स्कूल है, और पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था आपको कि जो हाई स्कूल है वो वहाँ पर तालाब के किनारे बना हुआ था, जो नई बिल्डिंग अभी बनी है। लेकिन हमारे यहाँ पे हाई स्कूल तक की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हैं और नौवीं और जो दसवीं की जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर अभी लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो बिल्डिंग है अभी पूर्णतः तैयार नहीं हुई है, कुछ समय लगेगा और उसके पश्चात जो हाई स्कूल है वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और मिडिल स्कूल यहीं पर रहेगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये वाली, ये पहले थी जब मैं पढ़ा करता था, और इसी में तीन कमरे हैं, तीन रूम हैं, और इसी में हेडमास्टर का जो ऑफिस था वो भी एक रूम में था। कुल टोटल यहाँ पे चार रूम थे और यहाँ पर कक्षा एक से लेकर पाँचवीं तक की क्लासेस लगती थी। लेकिन मैं फ्रेंड्स बता दूँ कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीचों बीच यहाँ पर पीपल का पेड़ लगा है, और अभी पीपल का पेड़ काफ़ी मोटा हो गया है और इतना ज़्यादा नहीं फैला था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। और यहाँ पर देखें कि ये स्कूल है और यहाँ पर एक नल यहाँ पर लगा है हैंडपम्प, और एक हैंडपम्प वहाँ पर है। आसपास के जो मोहल्ले के जो लोग हैं वो यहीं पर आते हैं पानी भरने के लिए और यहीं पर नहाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो क्योंकि व्यवस्थाएँ नहीं है, एक नल जस्ट इस ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है स्कूल की, ये वाली जो बिल्डिंग आपको दिख रही है उसके जस्ट पीछे है, यानी कि लगातार तीन यहाँ पे हैंडपम्प लगे हुए हैं और बहुत से लोगों का जो नहाना है घर के लिए जो पानी है वो यहीं से होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पहले जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन वर्तमान में मध्याह्न भोजन ये सब चीज़ें चलने की वजह से उस तरह की ना तो पढ़ाई होती है, और जो निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है उसकी वजह से पढ़ाई का स्तर और भी ज़्यादा गिरा हुआ है। वर्तमान में आज 2 मई है 2021 और अभी हाल में वीडियो बना रहा हूँ, संडे का टाइम है, और यहाँ पर आप देखें कि अभी हाल कोरोना की वजह से स्कूल सभी बंद हैं, तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी है। ये आप देखिए काफ़ी यहाँ पर गंदगी है क्योंकि सफाई नहीं होती, स्कूल खुलते नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में जो ये स्कूल है ये इसमें बाउंड्री नहीं है, इसलिए आना जाना हमेशा बना रहता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रात में जब कोई नहीं होता है तो जानवर भी यहाँ पर आ जाते हैं और बैठे रहते हैं, तो गोबर वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। तो इस तरह की ये चीज़ें हैं यहाँ पर, तो काफ़ी गंदगी है। लेकिन जब स्कूल स्टार्ट रहते हैं, कक्षाएँ लगती हैं, तो इस तरह की गंदगी नहीं रहती है, सफाई रहती है। तो आप यहाँ पर देखिए, पहले जो कन्याशाला थी वो उस तरफ थी गांव के, लेकिन अब वहां की बिल्डिंग टूट फूट गई है, अब ये पुनः यहां पर आ गई है। और ये जो बिल्डिंग है ऊपर यहां पे कन्याशाला कक्षा पाँचवीं तक चलती है क्लासेस, तो ये यहां पर है मिडिल स्कूल। और जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जब हम पढ़ा करते थे तो ये जो आंगनवाड़ी, आदर्श आंगनवाड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं फिर से आपको बता दूँ कि जो स्मार्टफोन है उसके फ्रंट कैमरे से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए जो भी आपको लिखा दिख रहा है वो उल्टा दिख रहा होगा। तो आदर्श आंगनवाड़ी लिखा हुआ है, ग्राम खेरा लिखा है, क्रमांक एक। तो यहाँ पर कक्षा छठवीं की क्लास लगा करती थी जब हम पढ़ते थे, और वो जो क्लास सामने दिख रही है जहाँ पे नल आपको दिख रहा है उसके ऊपर, वो कक्षा सातवीं थी। और यहाँ पर लगातार तीन चार बिल्डिंग थी, सातवीं आठवीं इस तरह की बिल्डिंग थी, और उस टाइम पर जब हम पढ़ते थे जो लास्ट वाली बिल्डिंग थी वहाँ पर वो जर्जर थी, तो उसमें कोई भी क्लासेस नहीं लगा करती थी। लेकिन हमसे जो पहले जो छात्र थे वो लोग यहाँ पर पढ़ते थे और उनमें भी क्लास लगती थी। यहाँ पर देखिए जो धराशाई ये बिल्डिंग हो चुकी है, ये ग्राम खेरा की थी और यहाँ पर कक्षा पाँचवीं तक स्कूल था। और ये मैं आपको बता दूँ, हमारा जो ग्राम खेरा कसार है
इसमें दो पंचायतें हैं, खेरा और कसार। खेरा कसार एक गांव नहीं है, दो गांव हैं और यहां पर दो पंचायतें हैं, लेकिन यहां पर सभी चीज़ें ऐसी हैं कि कंबाइंड टाइप की हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिडिल स्कूल है ये खेरा कसार दोनों का मिला के है, और यहाँ पर पहले जो प्राथमिक स्कूल था वो कसार के नाम का था, यानी कि ग्राम कसार का प्राथमिक स्कूल था, लेकिन जब बच्चे पढ़ लेते थे कसार में पाँचवीं तक तो आके मिडिल स्कूल यानी सातवीं आठवीं छठवीं सातवीं आठवीं यहीं पर ही एडमिशन लेते थे। लेकिन अब जो यहाँ पे प्राथमिक स्कूल जो कसार था अब वो यहाँ पर संविलियन हो चुका है इसमें ग्राम खेरा कसार का जो मिडिल स्कूल है, और अब कसार का कोई प्राथमिक स्कूल यहाँ पे नहीं है और ये खेरा कसार का ही एक से लेके जो आठवीं तक है का मिडिल स्कूल है वो यहाँ पे संचालित होता है। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अब काफ़ी व्यवस्थाएं हो गई हैं, उस टाइम पे इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी। मैं आपको बता दूं कि जब हम कक्षा एक में थे और दो में थे तो ये बिल्डिंग यहाँ पर नहीं थी, और उस टाइम पे पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठा दिया करते थे हमको, तो वहाँ पर बैठ के पढ़ते थे, लेकिन मज़ा भी आता था। टीचर्स भले ही व्यवस्थाएँ नहीं थी लेकिन टीचर जो थे वो बड़े ही चाव के साथ में और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाते थे, हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ाते ही रहते थे। जो हेड मास्टर यहाँ पे रहा करते थे सोनी जी पहले थे, मैं आपको बता दूं हमारे टाइम पे, तो उस टाइम का कुछ हिसाब इस तरह का था कि वो पूरा नियंत्रण में रखते थे, बहुत अच्छे तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम था जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी चलती थी। कोई भी टीचर फालतू यहाँ वहाँ नहीं बैठ सकता था, सभी क्लासेस लगती थी। पूरे जो स्कूल का जो मॉनिटरिंग करते थे सोनी जी जो यहाँ के हेड मास्टर थे वो किया करते थे, और काफ़ी अनुशासन था टीचर्स के बीच में। लेकिन अब वर्तमान में आप देखते हैं तो थोड़ा वैसी स्थिति कम देखने को मिलती है, बच्चों का भी रुझान कम है, और साथ में गाँव में अगर आप देखें तो जो बच्चों के माता पिता हैं वो भी पढ़ाई पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि पहले जो बाथरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे कुछ भी, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें हर स्कूल में आपको बाथरूम मिल जाएंगे, गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग। हमारे टाइम पे नहीं होती थी तो हमको बाहर ही जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आगे यहाँ पर देखें कि बीच में यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पे कुआं है, कुआं भरा रहता है लेकिन इसका कोई उपयोग करता नहीं है। जब से यहाँ पर नल लग गए हैं, हैंडपम्प यहाँ पर लग गए हैं, तब से कुआं का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पहले यहाँ पर कुआ का इस्तेमाल भी हुआ करता था। ये यहाँ से मेन रास्ता है अंदर आने के लिए बीच से ही स्कूल के, तो इसलिए भी थोड़ी अव्यवस्थाएँ रहती हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है ताकि स्कूल सुरक्षित रहे, गंदा ना हो, तो जो जानवर हैं वो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखें कि ये जो रास्ता है सामने वाला, ये जो मेन रास्ता है पहले यहीं से सभी जितने भी वाहन होते थे अंदर जाते थे, गाँव के बाहर निकलना है तो भी यहाँ से जाया करते थे। लेकिन वर्तमान में अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरफ जो दिख रहा है ये आपका कसार है, और इस तरफ की जो यहाँ पे घर बने हुए हैं ये खेरा के अंतर्गत आते हैं, और बीच का जो रास्ता है वो गांव के बीचों बीच का है, लेकिन आगे जो आप देखते हैं कि रास्ता ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डिवाइडेशन किया गया है कि कुछ जो घर हैं वो खेरा में आते हैं और आधा कसार में भी आता है, तो इस तरह का कभी कसार है वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है और खेरा अंदर की तरफ, इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से बाड़ यहाँ पे बना दिए गए हैं, लेकिन अभी हाल अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ कि ये आप रास्ता देखिए, यहाँ पे ये जो पानी है बह रहा है, नर्दे हैं लोगों के बह रहे हैं, और अभी हाल में जो ग्राम कसार है उन्होंने, जो सरपंच है उन्होंने इस रास्ते को खुदवा दिया है आरसीसी बनवाने के लिए, लेकिन लगभग 4 से 5 महीने का टाइम हो गया है लेकिन यहाँ पे अभी आरसीसी बना नहीं है। और ये रास्ता सबसे मेन रास्ता है गाँव का, यहाँ पर जब बारिश होती है तो जो पानी है सभी के घरों का, जो छप्पर से गिरता हुआ जो पानी है वो यहीं से बह के अंदर इस तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 महीने का टाइम हो गया है और यहाँ पे रास्ता खुदवा दिया गया है, सभी की जो चबूतरे हैं वो फोड़ दिए हैं, लेकिन तभी से ये निर्माणाधीन डला हुआ है, अभी इसका निर्माण नहीं हुआ है।
और इसकी प्रोसेस का कुछ पता नहीं कब तक बनेगा या नहीं बनेगा, और चुनाव भी आ गए हैं सरपंच के, तो पता नहीं ये काम लटकता है या नहीं लटकता है। काफ़ी कुछ लोग बोलते हैं कि जल्द ही बनने वाला है और कुछ लोग बोलते हैं कि इसको अभी कुछ पता नहीं है, बनता भी है या नहीं बनता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएँ हैं, ये सरपंच की कृपा है और ये लगातार बह रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर गाँव में RCC और ये पानी की व्यवस्थाएं अगर ठीक ठाक होती हैं तो ग्राम काफ़ी सुंदर हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है, जो लोग आते हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप देखें कि पुराने समय में जो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी और जो नगर बसा हुआ था उसमें भी पानी की जो निकासी थी वो बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित करी गई थी, लेकिन आज के जो गाँव हैं उनमें जो स्थितियाँ हैं काफ़ी बदतर हैं। RCC पड़ता भी है तो वहाँ पर जो सरपंच हैं और जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो नालियों का विशेष ख्याल नहीं रखते हैं, सभी के नर्धे बहते रहते, कभी बीच से नाली बना देते हैं छोटी सी, कभी अगल बगल बना देते हैं, और वो भी छोटी सी नाली बनाते हैं जैसे शहरों में नालियां होती हैं अगल बगल, उस तरह की यहाँ पे नहीं बनवाते हैं। काफ़ी वैसे सरकार तो खर्च करती है लेकिन ये रुपया कहाँ पे जाता है इसका कुछ समझ नहीं आता, और परिणाम ये होता है कि RCC बन जाते हैं लेकिन लोगों के कच्चे घर हैं, जब बारिश होती है तो मिट्टी बह के आके ऊपर से परत बना लेती है और जो RCC काफ़ी नीचे दब जाता है। कुछ समय पश्चात इसी तरह का रास्ता बन जाता है कि वहाँ पे हमेशा पानी बहता रहता है। लोगों के घर में हैंडपंप हो चुके हैं, लोग नहाते हैं, काफ़ी पानी बहता है, तो जो रास्ता है उसमें ना तो आप मोटरसाइकिल निकाल सकते हैं ना ही कोई वैसा वाहन, अगर ट्रैक्टर हो गया या जीप वगैरह ऐसी कोई चीज़ निकल जाती है तो पूरा रास्ता ख़राब हो जाता है और काफ़ी गंदा लगता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, गांव की स्थिति कुछ ऐसी ही है। और ये केवल मेरा गांव नहीं है, हर गांव में आपको लगभग ऐसी ही परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, और जो यहाँ के सरपंच हैं वो भी थोड़ा इसी तरह के हैं, विशेष ख्याल नहीं रखते हैं। चुनाव जहाँ से उन्होंने जीता तो फिर उनका पता नहीं चलता है, बहुत से लोग तो सरपंच को जानते ही नहीं कौन सरपंच है। तो ये खेरा के सरपंच है और खेर कसार के जो सरपंच हैं वो इसी तरह के हैं, और हम दोष सरपंच को बस नहीं दे सकते, जनता भी इसी तरह की होगी गांव की, तभी इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, और जब लोग जागरूक नहीं होते तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हमारा स्कूल है जो मिडिल स्कूल जिसमें हम पढ़े लिखे हैं, अब सब कुछ वैसा नहीं है जैसा जो हमारे टाइम पर था, काफ़ी बदलाव हो गया है, नई जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे बन गई हैं। अगले वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे जो नई बिल्डिंग बनी है हाई स्कूल की, वो कहाँ पर बनी है हमारे गांव में, और उसकी वो जो बिल्डिंग है वो किस तरह की है वो हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।